एमयू छात्र संघ में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर छिड़ा विवाद अचानक उस वक्त हिंसक हो गया जब दोपहर के समय बाबे सैयद पर जिन्ना का पुतला फूंकने हिंदू जागरण मंच व अन्य संगठनों के लोग और एमयू छात्र आमने सामने आ गए। गनीमत यह रही कि उस वक्त दोनों पक्षों में टकराव होते होते बचा, मगर बाद में एमयू छात्र हिंदूवादियों पर मुकदमा व उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेकाबू हो गए। इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। संघर्ष में छात्र संघ अध्यक्ष एसपी सिटी समेत कई छात्र नेता व सिपाही घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। वहीं इस बवाल के मद्देनजर प्रशासन के दखल पर यूनियन हॉल में प्रस्तावित पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को मानद सदस्यता दिए जाने के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। फिलहाल एमयू के आसपास हालात तनावपूर्ण हैं। एमयू में हुए घटनाक्रम को लेकर देर रात तक पुलिस के पास दो तहरीरें पहुंची। इनमें पहली तहरीर हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सोनू सविता की ओर से दी गई। यह तहरीर सिविल लाइंस पुलिस के व्यस्त रहने के कारण गांधी पार्क थाने में इंस्पेक्टर सिविल लाइंस के नाम से पहुंचाई गई। दूसरी तहरीर प्रॉक्टर कार्यालय के जरिए एमयू सुरक्षाकर्मी ने दी। दोनों पक्षों पर देर रात तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। वहीं देर रात पुलिस भी अपनी ओर से तहरीर तैयार करने में लगी रही। रात में सभी मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने एमयू परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। अलीगढ़ से खालिक अंसारी के साथ लखनऊ से विशेष संवाददाता शकील सिद्दीकी की एक खास रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच के नेता और कार्यकर्ता पुतला फूंकने का मन बनाते हुए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए एमयू सर्किल की ओर बढ़े। मंच नेताओं के साथ पुलिसकर्मी जीप और पैदल चल रहे थे।
एमयू सर्किल पर पुलिसकर्मियों ने वंश नेताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं भागे और वहां से सीधे बाबे सैयद की ओर बढ़ गए। बाबे सैयद पर पहुंचते ही एमयू के कई छात्र जागरण मंच के नेताओं के सामने आ गए। एमयू छात्र हाथों में डंडा लिए हुए थे तो जागरण मंच के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में बेल्ट और पत्थर थे। वहीं बाबे सैयद से 100 मीटर से भी कम दूरी पर गेस्ट हाउस नंबर 3 पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मौजूद थे। बरगद हाउस के करीब बेकाबू छात्रों की तरफ से ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और आरएएफ के जवानों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एमयू प्रशासन का इस पूरे मसले पर कहना है कि एमयू स्टूडेंट यूनियन एक स्वतंत्र संस्था है, उसका एमयू प्रशासन से सीधा नियंत्रण नहीं है। 1920 में जब यूनिवर्सिटी बनी तब से छात्र संघ के लोग विभिन्न महानुभूतियों को आजीवन सदस्यता देते चले आ रहे हैं। पहली सदस्यता गांधी जी को दी गई थी, वो सदस्यता देते हैं, उस पर एमयू प्रशासन का कोई लेना देना नहीं होता। बंटवारे से पहले जब जिन्ना आए थे तब उनको भी सदस्यता दी गई थी, ये छात्र संघ का फैसला होता है। फिर भी इस मसले पर बात की जाएगी कि दी गई सदस्यता को बदला नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, संस्कार न्यूज, अलीगढ़।